तो गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ हटके करने वाले, कुछ ऐसा जो कि टाइटेनियम आर्मी के लेवल का होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक सैंड पूल। जी हाँ गाइस, एक मिट्टी का स्विमिंग पूल। समझ नहीं आया ना? अब आप सोच रहे होंगे यार कि भाई कोई मिट्टी का स्विमिंग पूल कैसे बना सकता है, फिर मिट्टी का स्विमिंग पूल क्या होता है यार? समझ जाओगे आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देख। गाइस सैंड पूल बनाने के लिए जिस तकनीक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो तकनीक बहुत ज्यादा खतरनाक और एक रिस्की प्रोसेस है, इसीलिए प्लीज यार आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। इस टेक्निक को कहा जाता है फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्निक, और इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है। लेकिन हम थोड़े से पागल लोग हैं यार, हम तो जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं खेलने के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल में ली जाएगी नाइट्रोजन गैस। ये क्या कर रहा है? क्या हुआ? अरे भाई हमें ना हमें ना हमें ना के लिए यार, हमें ना यार। चलो उठाओ उठाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कभी कभी ये लोग मुझे डरा देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। तो गाइस यार इसके लिए हम नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल में लेंगे, और पहले इसे छोटे लेवल पे ट्राई करेंगे, छोटे लेवल पे करके देखेंगे, अगर काम हो गया तो फिर उसे टाइटेनियम आर्मी के लेवल पर करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये छोटा सा एक पूल है और इसके अंदर जगह जगह के ऊपर छेद है, और इसके अंदर हम डालते हैं मिट्टी। तो ये जो है नॉर्मल मिट्टी से थोड़ी अलग मिट्टी है, सारी मिट्टी का इस्तेमाल इसमें नहीं लिया जा सकता वरना मिट्टी उड़ेगी और इधर उधर फैल जाएगी, लेकिन ये वाली जो मिट्टी है ये थोड़ी सी स्पेशल है। तो इससे पहले इसके अंदर भर देते हैं। तो अभी ये जो चीज़ है ये कहीं से भी पूल की तरह दिखाई नहीं दे रही है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो अब हम ये करेंगे कि हम सिंपली इस मिट्टी के अंदर उन पाइप्स के थ्रू ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका फ्लो बढ़ाएंगे। एवरीथिंग इज सेट गाइज, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अब टेस्ट करके देखते हैं। चवन धीरे धीरे खोलियो प्रेशर, एकदम से खोल दिया नहीं पाइप वाइप फट जाएंगे भैया। 3000 PSI के आसपास के अंदर इसके अंदर प्रेशर होता है। धीरे धीरे खोल, धीरे धीरे खोल गाइज, इस पर देखते हैं। गाइज फ्लो बढ़ गया है, फ्लो शुरू हो गई है देखो। और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है एयर फ्लो स्टार्ट हो गया है। थोड़ा और बढ़ाते हैं। अभी इसके अंदर हाथ डाल के देखते हैं कि ये पूल की तरह बिहेव कर रही है या फिर नहीं। ओ गाइस आइडिया काम कर रहा है, मेरा हाथ जो है बिल्कुल इसके अंदर पूल की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मिट्टी के अंदर अपना हाथ नहीं बल्कि पूल के अंदर डाल रहा हूँ। जो मैं फील कर पा रहा हूँ ये आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बाकी मेरा हाथ जो है अभी बंद करना, बिल्कुल बंद, और बिल्कुल जम गया है। जैसे ही हमने फ्लो को बंद किया मेरा हाथ इसके अंदर मजबूती से जम गया है। फ्लो को चालू करना, और बढ़ाओ। ओ वाओ यार, मैं शब्दों के अंदर इस चीज को बयान नहीं कर सकता। ये देखो मिट्टी किस तरीके से बिहेव कर रही है, पानी की तरह, ये देखो। तो गाइस यार फाइनली हमारा जो सैंड पूल है वो काम कर रहा है। कुछ चीजें इसके अंदर डाल के देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो गाइस। एक और बड़ी बॉल इसके अंदर डाल के देखते हैं, देखना ये देखो। गाइस काम कर गया आइडिया। इधर देख, इसके अंदर हाथ डाल के देखो, ऐसा लग रहा है पानी है। अरे हाँ है ना गाइस, मस्त चीज है ना, कैसा लग रहा है? सॉफ्ट लग रहा है, मिट्टी को पानी बना दिया यार। इस बार मैं डैम श्योर था कि ये काम करेगा ही करेगा, क्योंकि गाइस एक महीने से हमने इसके पीछे रिसर्च की कि भैया हॉल किस साइज के होने चाहिए, थोड़ा प्रेशर और बढ़ाना, थोड़ा अब फुल एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, और बढ़ा दे, फुल खोल दे प्रेशर। हमारा जो आइडिया है वो काम कर रहा है, अब बस देरी है इसे टाइटेनियम आर्मी के लेवल पे ट्राई करने की। और उसके अंदर बहुत चीज़ है कि छोटे स्केल पे करना आसान होता है, लेकिन वही बड़े स्केल पे करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। शुरू करेगा इस फिर, तैयार हो? तैयार। बहुत सारी गैस चाहिए इसके लिए, सबसे पहले गैस लेके आते हैं। चलो सबसे पहले गैस लेके आते हैं, उसके बाद मिट्टी और सारी। चलो चलो
अरे जाओ जाओ बाकी सामान ये रहो फटाफट। अपन लेके आते गैस। चले भाई चलो उधर। गाड़ी नहीं गाड़ी यार, ये तो चोट होगी, कोई बात नहीं भाई। चले हट जा, गोविंद हट जा। भाई भाई अरे पूल बनाने ना हो यार, लेकिन उसमें ठंडे नहीं होंगे, उसमें गर्म ही होगा। वो पूल गर्म के लिए ही है। तो हम रोजा ले चुके हम। तो गाइस स्पेशल मिट्टी लाने स्पेशल जगह जा रहे हैं। चलो चलो तो गाइस यहाँ पर बनती है नाइट्रोजन गैस। ये देखो इतने बड़े बड़े पंप्स लगे हुए हैं जो कि नाइट्रोजन को पंप करते हैं सिलेंडर्स के अंदर। गाइस गैस लोड हो रही है अपने सिलेंडर्स के अंदर, जैसे ही लोड हो जाएगी उसके बाद में गाड़ी में डालेंगे, पूरे 10 सिलेंडर है और फिर लेके चलेंगे सीधा घर। ये ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वहाँ पे नाइट्रोजन है। भाई ऑक्सीजन लोड हो गई, 10 सिलेंडर ले लिए, अभी चल रहे सीधा ऑफिस। आज अंकल जी के साथ सवारी करेंगे। गाइस मिट्टी आ गई, गैस भी आ गई, हाई प्रेशर के वॉल्व भी आ गए जो कि नाइट्रोजन को संभाल लेंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वॉल्व्स हैं। बजट कितना हो गया अभी तक? 2 लाख। 2 लाख कैसे हो गए? 50,000 की तो नलियां ही आ गई, और 3,000 का तो एक वॉल ही है, 20,000 की तो पाइप ही है, 80,000 की गैस आ गई, और 20-25,000 का तेल बाल दिया होगा। खाना पीना हो गया, 2 लाख चले गए। छाती में डाल के यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर हम बनाएंगे बड़ा वाला सैंड पूल। अरे शोर नहीं करना, काम करो। लाइक करो, शेयर करो, जय हिंद, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस यार ये तैयार हो गई हमारी मोटे की ताबूत। अबे मोटे की ताबूत नहीं है ये, लिक्विडाइज्ड सैंड पूल का फ्रेम। तो गाइस यार इसे हमने क्या किया है, लोहे का इसलिए बनाया ताकि इसके अंदर से गैस जरा से भी लीक ना हो। लेकिन भाई काम करते करते रात हो गई, लेकिन ये अभी तो आधा काम भी नहीं हुआ है। सबसे मेन काम तो है इसके अंदर माया जाल बनाना जिसके अंदर से गैस फ्लो होगी। बाकी आप देख सकते हैं ये काफी मोटा है, गैस कहीं से भी लीक नहीं होगी। तो चलो गाइस इसके अंदर का माया जाल बनाते हैं। आ जाओ ये पाइप यहाँ पे किसने रखे रहे? विक्रम ने। एक बात बता, 35 तक इसको सेफ रखना था ना? काम करो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या छाती में डाल के हमारा, छाती में डाल। गाइज ये जो फ्रेम है इसके अंदर हमने छेद वगैरह कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कितने छेद किए होंगे इसके अंदर? हमने लगभग 10,000 छेद किए हैं, एक एक मिलीमीटर के। ये देखो पूरी रात छेद करने के अंदर ही निकल गई। चलो रुक जा।
इसमें तेल खत्म हो गया, रुक जा यार। साइड में ये भाई, अरे फाइनली हमने हमारा जो सैंड पूल है वो बना लिया है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि भैया ये राजस्थान है और आपको पता है कि अब हमारा जो शरीर है उसका ऑमलेट बनने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मिट्टी है भैया बहुत ज्यादा गर्म है और इसके अंदर हम नहाने वाले हैं। ये जा रहे इसके पाइप और ये रही हमारे पास हाई प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन गैस। इस बार हमने 5 सिलेंडर का इस्तेमाल किया है, 1, 2, 3, 4, 5 और अगर कम पड़ेंगे तो हमारे पास स्पेयर के अंदर भी कुछ सिलेंडर्स हैं। तैयार हो मिट्टी के स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए? भैया ऑमलेट बनने वाला है। आप पूल के अंदर गैस का फ्लो ऑन करते हैं, 3, 2, 1 खोलो जल्दी जल्दी खोलो। और गाइस जैसे ही बंद हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कि दीवार के अंदर, सीमेंट की दीवार के अंदर मुझे चुनवा दिया है। मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे जो हाथ है वो पैंदे तक चले गए हैं। अभी देखो दोबारा से गैस का ऑन करो, ऑन कर दो। कैसा लग रहा है पानी के अंदर डूब के, मिट्टी के अंदर डूब के? बहुत मजा है। ओ यार ये जाम हो गया, मैं तो निकाल यार। ओए कमीना, ओए लंगर, वो जरा डाइट है यार। इसमें तैरने का मजा भी आता है ना, गीले भी नहीं होते। बंद कर दो, बंद कर दो भैया। ये देखो, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, ये बेट को देखना, ये तो रॉकेट बन गया यार। थोड़ा मिट्टी का ही इश्यू है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत मजा आ रही है देखो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम सब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रुको मैं जाते आते रॉकेट लॉन्च कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। भाई रॉकेट लॉन्च करने की मशीन बन गई है, तो ये देखो, ये देखो कितना ऊपर तक जा रहा है यार। ओ तेरी, अटक गया, अटक गया भाई, अटक गया। कान में मिट्टी चली गई, ये वाला हाथ अटक गया।